गुड मॉर्निंग। अब हम लोग देखेंगे ये आपका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये थर्ड वीडियो है। पहला वीडियो में आप बाइनरी ऑपरेशन, उसके लॉग ग्रुप, सेमी ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, मोनोइड के डिफिनीशन के बारे में जाने थे। सेकेंड वीडियो में आप देखे थे कि बाइनरी ऑपरेशन पे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज हम लोग ग्रुप, अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड ग्रुप पे कुछ थ्योरम को जानेंगे। पहला थ्योरम क्या कहता है कि प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप इज यूनिक। मतलब कह रहा है कि अगर कोई एक ग्रुप है इसका मतलब क्या है, चार कंडीशन को होल्ड करा ग्रुप है तो वो कितना कंडीशन को होल्ड करा है, चार कंडीशन को। अगर कोई चार कंडीशन को होल्ड करके ग्रुप बना रहा है तो उसमें जो एलिमेंट होंगे उसमें एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे। ये आपको प्रूफ करके बताना है। मतलब कहने का मतलब है क्या कि आपको प्रूफ करने के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको प्रूफ करने के लिए ये कंडीशन मानना होगा कि मेरे ग्रुप में दो आइडेंटिटी एलिमेंट है और दोनों के दोनों अलग अलग है। तो दो आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलना होगा, दोनों के दोनों क्या है, अलग है, और लास्ट में दिखा देना होगा कि मेरे पास जो एलिमेंट दो आइडेंटिटी अलग अलग थे जो वो अलग अलग नहीं है, वो इक्वल है। तो हम अलग अलग माने थे कि दो है लेकिन पता चला दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि मेरे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, एक ही है, मतलब कि यूनिक है। ऐसा क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसके बारे में जान लीजिए। हमको जब हम प्रूव करें हैं तो लेट जी स्टार, एक ऑपरेशन ले लेते हैं, जी स्टार बी द ग्रुप एंड स्मॉल ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी बी वन टू सो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। हमको मानना क्या है, हमको प्रूफ क्या करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट हम जो लिए हैं वो क्या है, यूनिक है। ऐसा हमको प्रूफ करना है। जब भी हमको ऐसा प्रूफ करना है तो हमको ये मान के चलना होगा कि मेरे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो दो है। हम इफ पॉसिबल हम मान लेते हैं, इफ पॉसिबल लेट ई एंड ई डैश बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी। हम मानते हैं कि ई और ई डैश जो है वो दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, सच दैट E not equals to E dash. अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जानते हैं क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का डिफिनेशन क्या कहता है। सेंस लेट हम जब भी हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मानना हुआ तो हमको मानेंगे कि लेट E इज द identity element in G। अगर कोई E जो है वो is the identity element है group G का, तो इसका मतलब है कि that is A equals to EA होगा, equation number A। ऐसा condition को hold करेगा। अगर कोई identity element का हम definition पढ़े थे कि वो किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो उस एलिमेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम मान लिए कि ई जो है वो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, ग्रुप जी का, तो इसका मतलब है दैट इज ए इक्वल्स टू ई है। हम अगेन सिंस मान के चलते हैं क्या कि लेट सिंस लेट ई डैश
इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी। जब आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी है, ई डैश है, इसका मतलब क्या है आपका, दैट इज ए ई डैश इज इक्वल टू ए इक्वल्स टू ई डैश ए, इक्वेशन नंबर बी। हम इक्वेशन नंबर ए और बी से चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन नंबर ए एंड बी से देखेंगे। दोनों में देखिए ए ए है, ए ए है, इसका मतलब है कि ए इक्वल टू ए ई डैश होगा, ए ई इक्वल टू क्या होगा ए ई डैश। अब ये ग्रुप है, ये तो ग्रुप दिया हुआ है, अब ग्रुप जो होता है वो चार कंडीशन को होल्ड करता है। हम यहां से ऐसा नहीं होगा कि ए से ए काट देंगे, चार कंडीशन को होल्ड करता है, तो इसका मतलब है कि ए एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी होगा, उसका क्या होगा इनवर्स होगा। तो हम इस एलिमेंट में ए इनवर्स से ऑपरेट कर दिए, क्या कर दिए ए इनवर्स से हम इसको ऑपरेट कर दिए। अब ग्रुप जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, तो हम एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे लगा दिए, तो ए इनवर्स ए ई ई इक्वल टू ए इनवर्स ए ई डैश के बराबर होगा। अब ग्रुप जो होता है वो इनवर्स लॉ को भी होल्ड करता है। हम बोले थे कि अगर कोई एलिमेंट जो होगा अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट होगा तो ऑलवेज आइडेंटिटी देगा, क्या देगा आइडेंटिटी देगा, तो मतलब कि ई इंटू ई इक्वल टू ई इंटू ई डैश ऐसा। अब ऐसा है इसका मतलब है ई को ई से ऑपरेट होने पर तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा और ई डैश देगा, मतलब कि हम मान के क्या चले थे ई जो है वो ई डैश के इक्वल नहीं है, लेकिन आया क्या ई इक्वल टू ई डैश। तो जो हम अपना सपोजिशन माने थे, जो कंट्राडिक्शन था, वो मेरा क्या था गलत था, तो इसीलिए ई जो या अगर कोई ग्रुप है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा ऑलवेज यूनिक होगा। तो हम इसीलिए बोल सकते हैं कि ग्रुप जी ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक एलिमेंट इन ग्रुप जी, तो ई इज क्या हो गया यूनिक, इसीलिए ई इज क्या हो गया ई इज यूनिक, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो हो गया वो मेरा क्या हो गया यूनिक हो गया।